दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गए दोस्तों आपके लिए एक और इंडिपेंडेंट घर लेके, और इसकी जो फेसिंग रहने वाली दोस्तों वो है नॉर्थ फेसिंग। और नॉर्थ फेसिंग का घर आप देखिए, इसका एक बार एलिवेशन बहुत प्यारा एलिवेशन है दोस्तों, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली घर है और दोस्तों आपके बजट में फिट होने वाला है। अगर आपका भी सपना है इंडिपेंडेंट घर का तो एक बार इसको ज़रूर कंसिडर करें। और ये देखिए इसकी एंट्रेंस बहुत प्यारा, इसका एंट्रेंस दोस्तों गेट आ जाता है, ACP शीट्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे मैं अगर अंदर आ जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक गाड़ी आराम से पार्क होने वाली है। एंटी स्किड टाइल्स पूरे पार्किंग एरिया में लगी है। 17x8 इसका साइज रहने वाला है। और यहाँ पे आपको एक मिल जाती है टू व्हीलर पार्किंग। इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ, इसका साइज रहने वाला 9x7 का। आपकी मोटर वगैरह दोस्तों यहीं आने वाली है, आपको यहाँ टैप की प्रोविजन मिल जाएगी। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी कोई टू व्हीलर वॉश करना तो वो भी पॉसिबल है। स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती है दोस्तों, आप डे वन से आपको रेंटल इनकम भी मिलने वाली है। और यहाँ पे नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, आप एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हमारे घर की आ जाएगी एंट्रेंस। तो एंट्रेंस की दोस्तों बात करूँ, बहुत प्यारा देखिए, आपको ये डिज़ाइनर एंट्रेंस डोर मिल जाता है और इसके साथ ये हमारा मैश डोर। अब दोस्तों ट्रेंड है कि मैश डोर अंदर की साइड रहने लगे, पहले मैश डोर बाहर होते थे, अब अंदर की साइड रहने लगे। ये आ गया हमारा सिटिंग एरिया दोस्तों। अगर मैं इस सिटिंग एरिया के साइज की बात करूं, 15x10 इसका साइज रहने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत बड़ा टीवी पैनल। उससे पहले डाउन सीलिंग देखिए दोस्तों, इसकी बहुत प्यारी डाउन सीलिंग है। देखिए बहुत हैवी, बहुत अच्छा इस पे काम करा गया, कंसील लाइट्स के साथ है। अभी दोस्तों इसमें लाइट नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जब आप इसको एक बार विजिट करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर लाइट भी चल रही होगी। तो ये बात कर रहे हैं अपने टीवी पैनल की, बहुत बड़े साइज का आपको यहाँ टीवी पैनल मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना 55 इंच का टीवी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये स्टोरेज मिल जाएगी, ये देखिए नीचे 3-3 कंपार्टमेंट आपको ये स्टोरेज के मिल जाते हैं। और यहाँ आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन। किचन के साइज की बात करूं, 14x6 इसका साइज रहने वाला है। ये स्पेस आ जाएगी आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये देखिए डबल आपको हेडर किचन मिल जाती है, सारी देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ डबल लेमिनेटेड। ये स्पेस आ गई चिमनी के लिए, ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और यहाँ पे देखिए पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है एल शेप में। और ये देखिए व्यू, बहुत बड़े बड़े आपको ये कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, ये देखिए डबल लेमिनेटेड है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सिंक आ जाएगा हमारा नॉइज प्रूफ। और यहाँ पे बहुत बड़े साइज की विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों आपको पता चलता रहेगा आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गैस पाइपलाइन आपकी अंडरग्राउंड रहने वाली है। तो ये था व्यू हमारी किचन का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक मिल जाता है कॉमन वॉशरूम भी। तो पहले हम बेडरूम का व्यू देखते हैं, उसके बाद आपको कॉमन वॉशरूम भी दिखाऊंगा। ये आ गया हमारा बेडरूम। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 14x10 का। थोड़ा सा दोस्तों लाइट कम है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और इस रूम में भी देखिए बहुत हैवी आपको यहाँ पे डाउन सीलिंग मिल जाएगी। और बात करूं दोस्तों यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए बहुत बड़े साइज की विंडो मिलती है कम मैश डोर के साथ। यहाँ आ जाएगा आपका टीवी पैनल, और इसके साथ आपको एक रियर कोर्ट यार्ड भी मिल जाता है। तो आइए आपको व्यू दिखाता हूँ। और अगर मैं इस रियर कोर्ट यार्ड के दोस्तों साइज की बात करूँ, 10x3 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आपको देखिए टैप की प्रोविजन मिल जाती है, और यहाँ पे आपका ये डक्ट एरिया रहने वाला है ताकि आपकी वेंटिलेशन भी बना रही है। और इसी दोस्तों कोर्ट यार्ड में आपको वेंटिलेशन पर्पज से आपके रूम की और आपके वॉशरूम की भी वेंटिलेशन मिल जाती है। और बात करूं दोस्तों वार्डरोब की, तो इसमें हमें रूफ हाइट्स तक मिल जाते हैं वार्डरोब, देखिए स्लाइडिंग के साथ। नीचे हमारे शू रैक आ जाएंगे, यहां पे हमारे शू रैक मिलने वाले हैं। 3 कंपार्टमेंट हमें शू रैक के मिल जाते हैं। और यहीं से हमें दोस्तों एक्सेस एक तो वॉशरूम का हमें यहाँ से मिल जाता है, बट आपको दिखाता हूँ बाहर से।
क्योंकि अगर हमारे गेस्ट ने भी दोस्तों वॉशरूम यूज़ करना है तो वो एक्सेस यहाँ से ले सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैनिटी, 5x4 इस एरिया का साइज रहने वाला, यहाँ पे हमारी वैनिटी इंस्टॉल हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, अगर मैं इस साइज की बात करूँ 6x5 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हमारा मिरर आ जाएगा और ये हमारा ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि ड्रेसिंग एरिया हमारी माताओं और बहनों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, ये देखिए ये स्टोरेज के लिए आपको स्पेस मिल जाएगी। और ये आ जाएगा हमारा वॉशरूम, इस वॉशरूम के साइज की बात करूँ 8x5 इसका साइज रहने वाला है। और देखिए रूम फाइट्स तक टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। सारा वॉशरूम आपको रेडी करके ही दिया जाएगा विद दोस्तों सारी जो फिटिंग रहने वाली है, सारी क्वालिटी फिटिंग के साथ। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का व्यू, आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो देखिए स्टील रेलिंग के साथ बहुत प्यारा दोस्तों ग्रेनाइट लगा हुआ है स्टेयर के इस एरिया में, और ये देखिए बहुत प्यारे डिजाइन वुडन के साथ। यहां पे आते हैं दोस्तों फ्रंट में हमें मिल जाती है बालकनी, अगर मैं बालकनी के साइज की बात करूं 14x4 इसका साइज रहने वाला है, देखिए ग्लास के साथ। और एलिवेशन में बहुत प्यारी दोस्तों टाइल्स लगी हुई हैं, सालों साल पेंट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बाहर का भी व्यू देखोगे तो पूरा दोस्तों बसा हुआ एरिया, लोग रह रहे हैं। लोकेशन दोस्तों सेक्टर 125 सन्नी इनक्लेव की रहने वाली है। तो ये आ गया हमारा पोर्च एरिया, पोर्च एरिया के साइज की बात करूं 8x5 इसका साइज रहने वाला है। और अगेन हमारी एंट्रेंस आ जाएगी दोस्तों बहुत प्यारे एंट्रेंस डोर के साथ और मेश के साथ। ये आ गया हमारा सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया की दोस्तों मैं अगर साइज की बात करूं इसका जो साइज रहने वाला है वो है 15x10 का। और इसमें भी देखिए डाउन सीलिंग, इसमें वुडन को बहुत प्यारा यूज करा गया है। पूरे घर में आपको दोस्तों स्प्लिट एसी की प्रोविजन मिलती है। और यहाँ पे मैं एक और दोस्तों आपको विंडो आ जाती है वेंटिलेशन पर्पज के लिए। और अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़े साइज का आपको मिल जाएगा टीवी पैनल विद स्टोरेज, एक अच्छी स्टोरेज है, 4 कंपार्टमेंट आपको स्टोरेज के मिल जाते हैं। अगेन दोस्तों सेम साइज की आपको किचन मिल जाती है 14x6 की एल शेप में मॉड्यूलर किचन डबल किचन के साथ। जैसे आपको किचन नीचे मिलती है सेम एज इट इज ऊपर मिल जाती है, यहाँ चिमनी की प्रोविजनिंग आ जाती है, ये आपका सॉफ्ट क्लोजर के साथ। अगेन विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए और यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा नॉइस प्रूफ। तो ये थी हमारी अगेन दोस्तों रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा घर है, क्योंकि 1 BHK का रेंट भी ऑलमोस्ट अगर आप इसमें फर्नीचर लगा के देते हो तो 15,000 रुपये तो कहीं नहीं है। तो बहुत आपको पता है स्टूडेंट हब है, तो इसको एक बार जरूर आप चेक करें। ये आ गया हमारा सेकेंड बेडरूम 14x10 इसका साइज रहने वाला है। पूरे घर में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे अगेन आपकी दोस्तों रियर कोर्टयार्ड आ जाता है आपका वेंटिलेशन पर्पज के लिए, जैसा हमने नीचे देखा था वैसा ही हमें यहाँ मिलता है। और इस रूम में अगर आप इसकी बात करो तो फॉल सीलिंग की देखिए बहुत प्यारी फॉल सीलिंग है, हैवी फॉल सीलिंग है, लाइट नहीं है दोस्तों तो लाइट से ये और बहुत प्यारी निखर के आती है। अगेन सेम सेटअप आपको मिल जाता है वार्डरोब का, देखिए स्लाइडिंग के साथ। नीचे आपके शू रैक आ जाएंगे, रूफ हाइट्स तक है तो आपको अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। और ये आ गया हमारा अगेन टीवी पैनल, एक बार कैमरामैन अगर आपको रियर कोर्टयार्ड का थोड़ा सा व्यू दिखा दें, 10x5 इसका साइज रहने वाला है। और अब आपको दोस्तों सेम सेटअप है, आपको इस रूम से भी एक्सेस मिल जाता है हमारे वॉशरूम का। तो आइए यहां से चलते हैं और आपको व्यू दिखा देता हूं। अगर हम यहां से आते तो दोस्तों हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग एरिया, इसका साइज रहने वाला है 6x5 का। अगेन देखिए स्टोरेज के साथ यहां पे आपका मिरर आ जाएगा। और यहां से हम अगर निकलते हैं तो यहां पे हमारा आने वाला है वॉशरूम, सेम दोस्तों आपका वॉशरूम का साइज रहने वाला है 8x5 का। रूफ हाइट्स तक टाइल्स लगी हुई है, सीलर पपड़ी का कोई इशू नहीं है।
और सारा वॉशरूम आपको रेडी करके दिया जाएगा। गेस्ट के लिए दोस्तों एक्सेस यहां से आ जाता है, क्योंकि यहां पे आपकी आ जाती है वैनिटी। यहां का साइज रहने वाला है 5x4 का। तो ये था दोस्तों डबल स्टोरी हमारा 2BHK इंडिपेंडेंट कोठी, 80 गज में बनी हुई सन इनक्लेव सेक्टर 125 मोहाली में। और अगर मैं इसकी दोस्तों हमारा जो चंडीगढ़ खरड़ हाईवे वहां से बात करूं तो हार्डली ये 800 मीटर रहने वाला है। तो एक अच्छी लोकेशन, स्टूडेंट बहुत है, रेंटल बहुत वैल्यू है यहाँ पे, आप इसको एक बार ज़रूर कंसिडर करें। आप अगर इसकी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज जल्दी से फॉलो कर लें, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। और इसकी प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन सब कुछ आपको वहीं पर मिलने वाला है, उसको जाके जल्दी से चेक करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।